जी, अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे ख़त्म करेंगे जो फेसबुक में और कहीं भी नज़र ना आ सके, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाजिर हूँ पश्तो टेक्निकल स्किल की तरफ से। इधर हम आपको दिखाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अच्छे अच्छे ट्रिप्स और ट्रिक्स और नई मालूम आपको दिखाएँगे, तो हमारे साथ रहिए। हम आपको दिखाएँगे आज का टॉपिक जो है ना, हमारे हम अपने फेसबुक ऐसे अकाउंट्स को कैसे डिलीट करेंगे जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हो, या हमने उस पर ऐसी एक्टिविटी की हो हम चाहते हैं कि दोबारा नज़र ना आ सके फेसबुक के कहीं भी हो वो नज़र ना आ सके, हम वो डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीका दिखाता हूँ कि वो आप डिलीट करें तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फेसबुक पे या कहीं और पेज पे, वो दोबारा नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल ही परमानेंटली डिलीट होगा। तो इसके लिए हम आते हैं अपने फेसबुक की तरफ। ये फेसबुक खोलेंगे और यही जो है ना हमारा वही अकाउंट है, ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मुस्तकिल तौर पर डिलीट करना चाहता हूँ, ये दोबारा मैं हासिल नहीं कर सकूँगा और किसी को भी ये नज़र नहीं आएगा, मुस्तकिल तौर पर ये डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आऊँगा इसके लिए अपने मोबाइल जो है ना, ये भी थ्री डॉट्स है, ये थ्री डॉट्स पर आएँगे और इसके बाद मैं आऊँगा सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा जी सेटिंग पे आऊँगा जी मैं, यह जो है ना हमें शो हो रहा है अकाउंट्स में नीचे पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन जी, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद नीचे आऊँगा, इस पर लिखा हुआ अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है ना मेमोरलाइजेशन सेटिंग एंड डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, मैं ये नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, डिलीशन वाला जो है ना मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, नीचे दो ऑप्शंस और आएंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट या डिलीट अकाउंट। डीएक्टिवेट अकाउंट ये जो है ना सिर्फ डीएक्टिवेट हो जाएगा, हमारे काम से चला जाएगा, लेकिन फेसबुक जो है ना उस पे नज़र आ जाएगा, दूसरे बंदे जो है ना ये देख सकेगा कि वो अप्लाई अकाउंट है, वो चेक भी कर सकते हैं इसमें क्या क्या शेयर हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें हो चुके हैं। और ये डिलीट का ऑप्शन जो है ना इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो इससे जो है ना ये मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगा, कहीं पे ये नज़र नहीं आएगा। तो मैं कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करूंगा। यह जो है ना बिफोर यू डिलीटेड वी मे बी एबल टू हेल्प, इस तरह जो है ना ये हमें दिखा रहे हैं कि मैं फेसबुक पे और नहीं रहना चाहता हूँ, माई अकाउंट वॉज हैक्ड। यह जो है ना मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू कर दिया मैंने और जो है ना और अभी कह रहे हैं कि ये अकाउंट जो है ना अभी मुस्तकिल तौर पर डिलीट हो गया। अब एक और बात है कि अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार दोबारा मैं हासिल कर सकूँ ये अकाउंट और हासिल करना चाहता हूँ, तो इस तरह करेंगे कि 30 दिन के अंदर अगर हमने वापस यहाँ जो है ना लॉग इन कर दिया, तो ये अकाउंट जो है ना डिलीट होने से बच जाएगा और ये वापस बहाल हो जाएगा। और अगर 30 दिन तक मैंने लॉग इन नहीं कर दिया, तो ये अकाउंट मुस्तकिल तौर पर डिलीट हो गया। इसके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है और अकाउंट डिलीट करने के लिए बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।